ऑलवेज वेलकम साथियों डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियों ये फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सभी कंटेंट आप पी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं साथियों जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मेटीरियल सीरीज कम्प्लीट हो चुकी है सारा कंटेंट आपको पी फॉर्मेट में अवेलेबल है साथियों आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से पी अवेलेबल कराई जा रही है साथियों इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की इससे पिछली वीडियो में साथियों अपन ने जाना था किस प्रकार डिफरेंट जो डेंसिटी है डिफरेंट डेंसिटी वाले फ्रूट भरे हों तो किस प्रकार उनका आप सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं साथियों ये सिंपल सा मेथड था इस प्रकार आप इनका जो रेजल्टेंट सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो एच स्टार हाइट पर एक्ट करेगा साथियों जो कि इस प्रकार इस पिछली वीडियो के मेथड से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका कहाँ सेंटर ऑफ प्रेशर है और किस प्रकार इस पर एक्टिंग करता है चलिए साथियों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस इमर्ज इन ए लिक्विड इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं किसी भी डायग्राम में इस प्रकार ये कर्व्ड सरफेस है जैसा कि हम जानते हैं जो फ्लूड के संपर्क में या टच में सरफेस होता है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपना जो फ्लूड है प्रेशर या फोर्स अप्लाई करता है साथियों बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इस प्रकार इस पर जो कर्व सरफेस है इस पर इस प्रकार जो है डायरेक्शन जा रही है आपको एरो नजर आ रहे हैं इस प्रकार इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूड प्रेशर लगा रहा है साथियों तो अब इसको आप इस इस प्रकार समझ सकते हैं ये एक वॉल है अपनी ये दूसरी वॉल है साथियों और इनके बीच में एक प्लेट लगी हुई है इस प्रकार कर्बड प्लेट है ये साथियों जो कि अपना एक तरह से सिलेंडर है उसका फोर्थ पार्ट है इस प्रकार एक कंप्लीट सिलेंडर है तो इस प्रकार इसके चार पार्ट होते हैं ये तीन पार्ट हटा दिए गए हैं साथियों सिर्फ एक पार्ट है अर्थात इसकी रेडियस आर है अब इसमें साथियों इस कर्व में अर्थात इस सरफेस में फ्लूट भरा हुआ है इस प्रकार आप देख सकते हैं फ्लूट भरा हुआ है अब इसकी रेडियस आर है साथियों इस प्रकार ये फ्री सरफेस है इसका इस फ्री सरफेस से जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है अपनी जो ऑरिजेंटल लाइन खींची है साथियों जो अपनी कर्व सरफेस है उसके लिए तो ये डिस्टेंस एक्स है और जो ऊपर से आप कहीं से भी इस पर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं साथियों इस प्रकार इस पर जो फ्लूड प्रेशर लगाएगा वो भी इसी प्रकार सातियों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूड प्रेशर लगाएगा ये इसका सेंट्रॉयड है और इसकी विड्थ है वो डब्लू एस आती हो अर्थात ये प्लेट है इस प्रकार की यदि आप इसे थ्री में देखना चाहें इसमें फ्लूड भरा हुआ है इस प्रकार आप देख रहे हैं तो इसमें फ्लूड भरा हुआ है जो प्रेशर लगा रहा साथियों यहाँ पर आप साइड से देख रहे हैं तो सिर्फ आपको ये सेक्शन इसका दिखाई दे रहा है अब इस पर फ्लूड प्रेशर लगा रहा साथियों तो अब तक हमने पढ़ा है फ्लूड इस प्रकार डायरेक्शन में रोड लगा रहा है साथियों जो कि अपनी रेक्टेंगुलर प्लेट होती थी तो इस प्रकार उसका मैग्नीट्यूड इस प्रकार चेंज हो जाता था मान लीजिए इसमें फ्लूट भरा हुआ है साथियों तो प्रेशर डायग्राम किस प्रकार बनता था अपना इस प्रकार का पीजकल टू ओ एच उससे अपन डायरेक्ट इस प्रकार ट्राइंगल बना देते थे साथियों लेकिन यहाँ पर कर्व सरफेस है और इसकी डायरेक्शन भी फोर्स की लगातार बदल रही है तो इस पर साथियों किस प्रकार प्रेशर एक्टिंग करेगा और इस प्रकार साथियों इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा अर्थात इसका रेजल्टेंट प्रेशर होगा किसी एक पॉइंट पर वो कहाँ होगा और उसकी हाइट फ्री सरफेस से कितनी होगी साथियों ये सब साथ हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में तो चलिए साथियों इस समस्या को सॉल्व करते हैं इस प्रकार इसमें पॉइंट बने हुए सभी पॉइंटों पर जो फोर्स है अपना हाइड्रोस्टेटिक फोर्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है साथियों डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए इसके कंपोनेंट बना लेंगे साथियों मान लेते हैं इस प्रकार फोर्स लगा हुआ है तो हमको डायरेक्शन चाहिए साथियों ये एक वर्टिकल हो जाएगी ये डायरेक्शन अपनी ये ऑरिजिनटल हो जाएगी साथियों जिससे हम आसानी से फिर इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं क्योंकि इस प्रकार इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा जहाँ जहाँ भी फोर्स लगेगा उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जो इसी डायरेक्शन में काम करेगा साथियों जो कि हम आसानी से फिर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रकार आप मान लीजिए इस पॉइंट पर छोटा सरफेस ले रहे हैं उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल ये वर्टिकल कंपोनेंट इस प्रकार एक्ट करेगा साथियों नीचे की तरफ ये राइट हैंड की तरफ एक्टिंग करेगा साथी इस प्रकार इसमें आप कहीं भी देखेंगे किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो उसमें सेम वही प्रोसेस होगा साथी इस प्रकार इस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा इसका ऑरिजेंटल कंपोनेंट इधर और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा साथियों इस प्रकार हम कोई एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं अब इसमें इस सभी को सॉल्व करने के लिए हम साथियों किसी एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फुल का अपन को जो अपना ये इस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो एक्टिंग कर रहा है उसका फुल मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाएगा साथियों इस प्रकार सभी छोटे छोटे डॉट हैं ये ये छोटे छोटे एरिया हैं इनको आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं इस प्रकार की इस पर इस प्रकार फोर्स लग रहा है तो इस प्रकार इसके कंपोनेंट हैं अब मान लेते हैं ये सरफेस ले लिया हमने डीए ये एरिया या सरफेस है जो साथियों डी ए बिल्कुल स्मॉल इसकी हाइट फ्री सरफेस से एच है इस पर साथियों हम स्टडी करने जा रहे हैं क्योंकि साथियों इसी प्रकार आप किसी भी सेक्शन पर लेंगे तो उनका वर्टिकल कंपोनेंट सभी इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा साथियों तो हमें एक फिक्स डायरेक्शन मिल जाएगी इस प्रकार हम इस पर स्टडी कर रहे हैं साथियों और इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे जिससे सभी ओरिजेंटल कंपोनेंट हैं उनका हमें मैग्नीट्यूड आसानी से प्राप्त हो जाएगा अब मान लेते हैं साथियों ये सेक्शन इस प्रकार हमने यहाँ पर ले लिया इसको जूम कर लिया है ये जो हॉरिजेंटल लाइन है अपनी इस प्रकार की इससे एंगल बना रहा है थीटा इस प्रकार साथियों ये एरिया है इस पर अपना फोर्स लग रहा है इस प्रकार अब छोटा सा सेक्शन है तो छोटा इस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा होगा कम मैग्नीट्यूड का साथियों तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं डी एफ पी जो कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है एफ पी साथियों तो डी एफ पी से प्रदर्शित कर रखा है अब इसके कंपोनेंट बना लिए एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट साथियों इस प्रकार डी एफ एच ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का साथियों कितना होगा अब ये आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है साथियों इस प्रकार तो इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन हो तो वो इस प्रकार वर्टिकल से एंगल थीटा बनाती है इसे साथियों आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं ये एंगल अपना थीटा है तो ऊपर भी एंगल थीटा होगा इस प्रकार ये एंगल थीटा है साथियों ये नाइन्टी डिग्री है तो ये एंगल होगा अपना कितना होगा नाइन्टी माइनस थीठा तो ये ऑटोमेटिक थीटा अपना एंगल प्राप्त हो जाता है साथियों इस प्रकार इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं या फिर साथियों आप अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मेटिकल सीरीज देखें वहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस पढ़ाए गए हैं वहाँ पर ये सब डिटेल में बड़ी आसानी बहुत सरल तरीके से आपको समझाया गया है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इस प्रकार साथियों अपना जो डी एफ पी फोर्स लग रहा है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इसका ये कंपोनेंट है ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा साथियों डी एफ पी साइन थीटा ये साइन थीटा क्यों आया साथियों जिसके साथ एंगल बन रहा है वो ओरिजेंटल होता है वो और इस प्रकार ये वर्टिकल एंगल बनाएगा साथियों ये वर्टिकल कंपोनेंट है इसका इसलिए ये डी एफ साइन थीटा है और ये डी एफ बी ये वर्टिकल कंपोनेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का डी एफ पी कॉस थीटा साथियों इस प्रकार इनके कंपोनेंट बना लेते हैं हम अब जो साथियों अपना ये एरिया है इसका वर्टिकल जो इस प्रकार प्रोजेक्शन होगा ये कितना है वर्टिकल प्रोजेक्शन है ये आप देख सकते हैं ये वर्टिकल प्रोजेक्शन बन गया इसका और ये इसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ मान लीजिए इस प्रकार हॉरिजेंटल फोर्स लग रहे हैं साथियों तो कितने एरिया पर लगेंगे कितनी हाइट पर लगेंगे साथियों वही प्रोजेक्शन होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन है अर्थात जो ये इतना सरफेस है इतना एरिया होगा इस प्रकार ये पीछे भी हो तो इस पर ये प्रोजेक्शन एरिया होगा साथियों हो, क्योंकि इस पर ही एक्टिंग करेगा जो स्ट्रेस या फोर्स लगते हैं अपने जो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल फोर्स हैं कंपोनेंट हैं इसी प्रकार साथियों मान लेते हैं ऊपर से कोई भी प्रेशर आ रहा है फोर्स आ रहा है साथियों उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये प्रोजेक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार आडा हॉरिजेंटल पोजिशन में है साथियों ये अपना एरिया है यही इसको रजिस्ट करेगा साथियों अर्थात इसका जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होगा वो इस प्रकार बनता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया इस एरिया का अपन ने प्रोजेक्शन बना लिया साथियों ये हम आगे इसमें बनाने वाले हैं साथियों क्योंकि हॉरीजेंटल फोर्स इस प्रकार लगेंगे सभी पे तो इसका प्रोजेक्शन सिर्फ इतना आएगा टोटल ये एरिया हम कैलकुलेट नहीं करते हैं प्रोजेक्शन ही काम में लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं इस प्रकार फोर्स लगेंगे इस पर तो सिर्फ इस डिस्टेंस पर लगेंगे अर्थात इतने एरिया पर लगेंगे इस प्रकार जो अपना वर्टिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा इस प्रकार साथियों ये वर्टिकल और जो इसके ऊपर है ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है इस एरिया का इसके साथ साथ साथियों अपन इस एरिया का भी कंपोनेंट बना लेते हैं जो ये अपना डी एरिया है इसकी जो है हाइट है ये हमें काम में आने वाली है साथियों इसलिए हम अभी आपको बना रहे हैं आवश्यकता आगे पड़ेगी इसकी तो ये डी ए अपना एरिया है ये एंगल थीटा है तो साथियों ये कितना हो जाएगा डी ए साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अर्थात एरिया का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साथियों इस प्रकार आप देख सकते हैं डी ए जो कि स्मॉल एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन है साथियों और ये हॉरिजेंटल आप यदि इस प्रकार आपको आवश्यकता आप पड़ेगी तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब इसे हम इस्तेमाल करेंगे वी नो दैट डी एफ पी इज इक्वल टू पी डी ए इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं ओमेगा एच डी ए या ओमेगा की जगह आप रोजी लिखेंगे साथियों तो इस प्रकार HDA, इस प्रकार आ जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा ये क्या है साथियों अपना D, F, P है फोर्स है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स साथियों स्मॉल स्मॉल जो कि एरिया पर वर्क कर रहा है साथियों ये प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया तो इस प्रकार साथियों हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आ जाता है इसी को प्रेशर इंटेंसिटी की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा एच तो इस प्रकार साथियों ओमेगा की जगह रोज ही लिख सकते हैं आप इस प्रकार ये रिलेशन है साथियों पिछली वीडियोज में आपने डिटेल में पढ़ा होगा इसे जैसा कि साथियों हम जानते हैं रेजल्टेंट हाइड्रोस्टिक फोर्स किस प्रकार निकाला जाता है थोड़ा धैर्य बनाए रखें साथियों एक के बाद एक पॉइंट सारे जुड़ जाएंगे अभी आप सिंपल देखते जाएं रेजल्टेंट हाइड्रोस्टिक फोर्स एफ पी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एच स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर इस प्रकार साथियों हम रेजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं साथियों इस प्रकार इस ये अपना वर्टिकल कंपोनेंट इसको इस प्रकार जोड़ सकता है जैसा कि वेक्टर इस्तेमाल करते हैं साथियों इस प्रकार इसका एंगल ये बना हुआ है तो इस लाइन शिफ्ट कर दिया जाता है साथियों तो ये इस प्रकार ये सिंपल ट्रायंगल बन जाता है वो फॉर्मूला है तो ये रिजल्टेंट होता है साथियों हो, तो इस प्रकार इसे निकाला जा सकता है पाईथागोरसपुर में लगाकर इस प्रकार ये सब सॉल्व हो रहा है अब जैसा कि साथियों हमने ऑरिजेंटल कंपोनेंट निकाला था एक छोटे से स्मॉल एरिया का उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमें टोटल अपन को ओरिजेंटल कंपोनेंट प्राप्त हो जाएगा साथियों डी एफ एच का और इसी प्रकार स्मॉल वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे हम साथियों उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपन को वर्टिकल कंपोनेंट प्राप्त हो जाएगा टोटल साथियों अब ये होने के बाद साथियों इस प्रकार हम ये रिजल्टेंट इसे प्राप्त कर सकते हैं अब इसी में आप इस प्रकार लगा सकते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू यदि इनके बीच में एंगल फाइव है टेन फाइव इज इक्ल टू एफ भी डिवाइडेड बाई एफ एच इस प्रकार इसे आप एंगल निकाल सकते हैं ये किस एंगल पर इस प्रकार जो प्लेट है अपनी उसमें आपने मान लीजिए रिजल्टेंट निकाल लिया है ये इस प्रकार आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट पता चल गए अब ये एंगल कितने एंगल पर वर्क कर रहा है साथियों रिजल्टेंट है और यही सेंटर ऑफ प्रेशर है यही तो हम निकाल रहे हैं तो इस प्रकार साथियों इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं चलिए आगे चलते हैं अब निकालते हैं हॉरिजोनटल कंपोनेंट एफ एच अब एफ एच किस प्रकार निकाल सकते हैं साथियों टोटल एफ एच है अपना इस प्रकार आप देख सकते हैं इसे ये स्मॉल इस है साथियों स्मॉल जो एफ एच निकाला था हमने डी एफ एच इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल जो एफ एच है वो प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर हॉल एरिया इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं पूरे और एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम साथियों तो इसको डी एफ एच को किस प्रकार लिख सकते हैं डी एफ पी थीटा ये किस प्रकार आया है साथियों ये जो वैल्यू थी अपनी अपन ने रिप्लेस कर दिए साथियों डी एफ एच इज इक्वल टू डी एफ पी साइन थीटा ये वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिए साथियों अब इसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं इस प्रकार साथियों ये वैल्यू अपनी आ गई है अब जो हमने डी एफ पी वैल्यू निकाली थी साथियों उसे यहाँ पर पुट करते हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों जो अपनी ये वैल्यू थी डी एफ पी की डी एफ पी की ये सारी वैल्यू साथियों फाइनली ये वैल्यू थी रो जी एच डी ए इस प्रकार साथियों ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं ये वैल्यू सेम यहाँ पर पुट करती है रो जी एच तो ये डी ए अब ये साइन थीटा है ही साथियों तो साइन थीटा यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिए साइन थीटा इसमें साथ है अब साथियों साइन थीटा और डी ए इसको रिप्लेस कर देते हैं साथियों क्योंकि इसका डी ए का भी हमने कंपोनेंट लिया था स्मॉल एरिया का अब यहाँ पर वो इस्तेमाल होगा साथियों यहाँ आप देख सकते हैं साथियों डी ए साइन थीटा किसके बराबर है डी ए साइन थीटा है साथियों जो डी ए है इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन के बराबर है इस प्रकार आप देख सकते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ डी ए इस प्रकार साथियों इसे डी ए को हम डी ए वी यहाँ पर लिख रहे हैं अर्थात इस छोटे से एरिया का छोटा सा जो अपना वर्टिकल प्रोजेक्शन है इस प्रकार प्रोजेक्शन लेंगे साथियों और छोटा सा इंटीग्रेशन करने के बाद हमें टोटल प्रोजेक्शन प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार साथियों इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं डी ए साइन थीटा की जगह डी ए वी यहाँ पर इनका इंटीग्रेशन हो रहा है साथियों ये वैल्यू हम रिप्लेस करने वाले हैं और ये रो और जी ये साथियों कॉन्स्टेंट हैं किसी फ्लूड के लिए इस प्रकार ये भाड़ा निकाल लिया इनको और एच ये एच था इसमें साथियों एच वेरिएबल है क्योंकि ये हाइट होती है साथियों फ्री सरफेस से हम जिस डी एरिया पर कैलकुलेशन कर रहे हैं साथियों और इसको रिप्लेस कर दिया है डी ए बी ये वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ डी ए का इस प्रकार साथियों अब इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आगे इसे इस प्रकार आप लिख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं एच हाइट है साथियों और डी ए जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है उस स्मॉल एरिया का अर्थात अपनी जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन वाली ये एरिया मोमेंट की इक्वेशन बन जाती है साथियों इस प्रकार जैसा कि किसी भी एरिया का मोमेंट निकालते हैं साथियों तो इसी प्रकार इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन हमें पता है एच बार ए भी इस प्रकार निकल के आता है साथियों यदि आपको नहीं पता है तो आप मोमेंट एरिया फाइंड करें साथियों सर्च करें और डिटेल में पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस इंटीग्रेशन को करने के बाद अपन को एच बार ए भी प्राप्त हो जाता है साथियों अर्थात ये छोटे छोटे एरिया का मोमेंट निकाला जाता है उसके बाद टोटल एरिया से उसका जो डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करने पर जो आपको सेम मोमेंट प्राप्त हो जाता है साथियों वो एच बार स्टार जो एच ये बार है साथियों स्टार नहीं है इस पर एच बार है ये डिस्टेंस होती है इस प्रकार साथियों फाइनल इसे सॉल्व करने के बाद हमें रो जी ब्रैकेट में एच बार ए बी इस प्रकार साथियों ए बी क्या है टोटल एरिया है साथियों जो वर्टिकल प्रोजेक्शन बन जाएगा जैसा आपको बताया था साथियों इस प्रकार की प्लेट है किसी छोटी प्लेट पर हम स्टडी कर रहे हैं उसका एक पॉइंट इतना सा प्रोजेक्शन था साथियों उस पर हम एरिया मोमेंट निकाल रहे थे तो इस प्रकार एरिया मोमेंट इसको फुल जो ये प्रोजेक्शन बनता है प्रोजेक्शन दे देता है ये वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ आ जाता है साथियों और एच बार जो इसकी बीच में इसका जो सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस होती है साथियों फ्री सरफेस से इस प्रकार ये कैलकुलेशन होती है इस प्रकार साथियों इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एट वर्टिकल प्रोजेक्शन जो साथियों अपनी प्लेट है इस प्रकार की उस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है इस प्रोजेक्शन पर

रोज ही सेम रहेगा साथियों अब एच एच बार क्या है साथियों एच बार है एक्स प्लस आर वाई टू ये डिस्टेंस है साथियों जो ऊपर से फ्री सरफेस से नीचे की तरफ सेंट्रोइड पर आई है प्रोजेक्शन एरिया है उसके ऊपर इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं और जो ए भी है साथियों ये क्या है अभी आपको दिखाएंगे ऊपर ले जाकर ये ए भी है साथियों जो अपना प्रोजेक्शन एरिया प्राप्त हुआ था उसकी हाइट आर है और साथियों डब्लू उसकी विड्थ है इस प्रकार उसका एरिया है आर डब्ल्यू इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं एच बार के लिए एक्स प्लस आर वाई टू कहाँ से आया है इसे देखने के लिए चलते हैं इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं और आपने ये वर्टिकल प्रोजेक्शन निकाल लिया इसका तो इसकी सेंट्रोइड डिस्टेंस ये है तो एच बार क्या होगा साथियों ये एक्स डिस्टेंस होगी और ये आर है टोटल डिस्टेंस तो आर वाई टू इस प्रकार साथियों अपन को एच बार प्राप्त होता है और जो अपना एरिया है साथियों कितना होगा प्रोजेक्शन एरिया है इसका ये प्रोजेक्शन एरिया इसकी विड्थ कितनी है W इस प्रकार साथियों ये एरिया है तो ए वी इसका रेडियस इंटू डब्ल्यू से गुना करने पर ये एरिया प्राप्त हो जाता है साथियों इस प्रकार टोटल हमें ये रिलेशन प्राप्त होता है साथियों एफ एच इज इक्वल टू रो जी ब्रैकेट में x प्लस आर वाई टू और ये ब्रैकेट में फिर है फिर साथियों मल्टीप्लाई से r इंटू डब्लू इस प्रकार साथियों इसे आप देख सकते हैं स्मॉल डायग्राम बना हुआ है आपको ये प्रोजेक्शन था इसका इस प्रकार आप देख सकते हैं ये एक्स डिस्टेंस थी और इसका आर बाई टू ये डिस्टेंस होगी साथियों तो एच बार कितनी होगी अपनी एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई टू इस प्रकार साथियों इसकी एच बार डिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगी ये इसका प्रोजेक्शन है साथियों इसकी डिस्टेंस कितनी है आर और इस इधर विड्थ कितनी है डब्लू तो इस प्रकार साथियों ये एफ एच जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का वो इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट की वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए साथियों कंटेंट है अपने पास ऑलरेडी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आपको बताने के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी साथियों इसलिए आप यदि ये, ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट कर दे रिपीट कर कर देख सकते हैं कमेंट कर 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 पूछ सकते हैं साथियों क्या कन्फ्यूजन है उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो को अंत तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद